Hey, hi guys, welcome to Compound the Money channel. So today we are going to see क्या क्या छह मिस्टेक करते हैं लोग इन ऑप्शंस ट्रेडिंग गाइस. यस, तो अगर ये छह मिस्टेक आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट कैपिटल तो अपना बचा सकते हो. प्रॉफिट तो बाद में बात आती है. बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, जहां पे वो अपना कैपिटल ही नहीं बचा कर पाते हैं, राइट? और कैपिटल जैसा होता है गाइज, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैपिटल आपकी विकेट की तरह है. जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो इट इज जस्ट लाइक अ विकेट इन योर क्रिकेट, राइट? तो अगर विकेट नहीं रहता है क्रिकेट में, वनडे में या फिर टेस्ट मैच में या जो भी हो, राइट, तो रन मारना बहुत मुश्किल होता है, राइट? सेम वे कैपिटल ही नहीं रहेगा स्टॉक मार्केट में तो आप कैसे पैसा बना पाओगे, राइट? तो मोस्ट पीपल आर फेसिंग, जैसे एक कहावत भी है गाइज, 90% पीपल 90 डेज में अपना 90% खो के चले जाते हैं, राइट? जितना लेके आते हैं उसमें से 90% 90 डेज में उड़ा देते हैं. दैट इज द रूल ऑफ स्टॉक मार्केट, स्पेशली इन ऑप्शंस ट्रेडिंग. सो दैट इज वेयर आई एम ट्राइंग टू टेल यू. मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो बहुत फ्रीक्वेंट है, लोग करते हैं. वो भी आप अगर अवॉइड करोगे तो आपका एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा, बाकी एक अच्छी स्ट्रेटजी मिल गई तो डेफिनेटली विल बी प्रॉफिटेबल. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन गाइस. पहला मिस्टेक देखिए क्या करते हैं लोग, बाइंग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस. आई एम श्योर बहुत लोग यहाँ पे कर रहे होंगे. जो लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हो, यस सर आई एम डूइंग दिस मिस्टेक, बाइंग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन. मतलब क्या है इसका गाइज, 20 रुपए वाला 50 रुपए वाला ऑप्शन लेके बैठे रहते हैं लक के चक्कर में कि चलो 20 रुपए वाला कभी 100 हो जाएगा, कभी 60 हो जाएगा, कभी 50 हो जाएगा, या 50 वाला 200 हो जाएगा. इस चक्कर में हर एक वीक अपना पैसा बर्बाद करते हैं. तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस गाइस. इसको हम गैम्बलिंग भी बोल सकते हैं अगर इस तरीके से आप करते हो, राइट? बिकॉज इसमें कोई आपने स्ट्रेटजी नहीं लगाई, जस्ट आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर लक के भरोसे आप बैठे हो, राइट? तो इसको गैम्बलिंग ही बोलेंगे ना, जहां पे आप प्योर प्योर लक के भरोसे बैठे हो. मतलब मार्केट यहाँ पे चल रहा है, आप दूर दूर का दो ऑप्शन ले लिए, छोटा या बड़ा जो भी है, जिसको आपको लग रहा है सडन मूवमेंट आ जाएगा भगवान भरोसे तो आपको पैसा बन जाएगा. सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. अगर आप 10 बार ये इम्प्लीमेंट करते हो सकता है एक दो बार बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आ जाए, बट फिर से वो प्रॉफिट टिकने वाला नहीं है. अल्टीमेटली वो प्रॉफिट निकल ही जाता है, राइट? मेरे साथ भी बहुत बार पहले ऐसे हुआ है जब मैं स्टार्ट किया था ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट? तो दिस इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. सो ये पहला नंबर मिस्टेक है गाइज जो बहुत फ्रिक्वेंट है. दूसरा नंबर मिस्टेक क्या होता है गाइज, लोगों को मार्जिन रूल की समझ नहीं है. लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शंस बाइंग ही द ओनली थिंग विच कैन बी डन इन लेस मार्जिन. मतलब आपको लगता है कि आपके पास 10,000 है, 20,000 रुपया है, तो तुरंत के तुरंत हम स्टार्ट कर दें ऑप्शंस बाइंग और वहां से पैसा बना लें, 10 का 20 कर लें, 20 का 40 कर लें, समथिंग लाइक, राइट? बट दैट इज नॉट पॉसिबल गाइस. लोगों को रहता लगता है कि ऑप्शन सेलिंग अगर करना है तो बहुत महंगा जाएगा, बहुत ज्यादा कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू. लेट मी टेल यू, आज के डेट में मार्जिन रूल इतने अच्छे हो गए हैं गाइज कि आप ऑप्शन सेलिंग की जर्नी भी बिल्कुल 40 से 50 हजार में स्टार्ट कर सकते हो. मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाल रखा है कैसे आप कम मार्जिन से ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो. तो ये बहुत बड़ा मिथ है. लोगों से पूछता हूँ मैं कभी भी तो बोलते हैं सर ऑप्शन सेलिंग के लिए तो कम से कम 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख लगेगा, वो तो बड़े कैपिटल वालों का गेम है, वो तो बड़े लोगों का गेम है. बट लेट मी टेल यू, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज में है जो लो कैपिटल से भी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं. तो दिस कैन डेफिनेटली हेल्प यू. तो आपको मार्जिन रूल समझना है कि कम कैपिटल में कैसे आप सेल करके उसके सामने बाय करके हेज करके कैसे कम मार्जिन में भी काम किया जा सकता है और वो भी पूरी पोजीशन को हेज करके. सो दिस इज द नंबर 2 1. देन नंबर 3 क्या कर रहे हैं लोग गाइस, नो प्रॉपर स्ट्रेटजी, जस्ट रैंडम ट्रेडिंग. मतलब सुबह उठे मन किया कि नहीं यार आज तो मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन ले ली, मन किया या फिर किसी ने बोल दिया कि आज कुछ न्यूज आने वाली है हो सकता है मार्केट नीचे जाए तो पुट ऑप्शन ले लिया. सो दिस इज कॉल्ड रैंडम ट्रेडिंग. किसी ने बता दिया या अपना मन के बस पे ले लिया, इसको प्योर रैंडम ट्रेडिंग बोलते हैं. ये भी जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग ही हो गया गाइस, राइट? दिस इज जस्ट ऑल्सो लाइक अ गैम्बलिंग बिकॉज आपने अपने मन से ले लिया, होगा नहीं होगा. और देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि मार्केट देखो दो ही डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर गया या नीचे जाएगा, दो ही तो डायरेक्शन है जाने के लिए. तो अगर आपने कॉल ऑप्शन ले लिया और गलती से मार्केट ऊपर चला गया तो आप एकदम अपने आप को होशियार समझने लगते हो कि नहीं यार मैं तो हमेशा जो सोचता हूँ वही होता है, और फिर उसी चक्कर में फंस जाते हैं. फिर अगले दिन जब 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट से करते हो तो जो सोचते हो होता नहीं है,
करेक्ट. सो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ रैंडम ट्रेडिंग. इससे भी लॉन्ग टर्म में आप पैसा नहीं बनेगा. दो चार दिन बनाओगे, फिर चार दिन जाएगा, फिर दो दिन बनेगा, फिर तीन दिन जाएगा. यही जर्नी आपकी स्टार्ट रहेगी, राइट? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टॉप दिस. अगर आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, आप प्रॉपर एजुकेशन के साथ कीजिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी सीखिए. देर आर सो मेनी स्ट्रैटेजी इन ऑप्शन ट्रेडिंग. यू कैन लर्न एंड यू कैन मेक कंसिस्टेंट. सो डेफिनेटली ये भी अगर कर रहे हो तो आप काइंड ऑफ जुआ ही खेल रहे हो. You are kind of doing gambling only because ये again भगवान भरोसे हो गया, right? अब आते हैं next, which is no exit adjustment plan. जैसे आप देखोगे guys, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मैंने आज तक more than 60-70,000 लोगों को पढ़ा चुका हूँ on my webinar. तो सब लोग को जब मैं पूछता हूँ कि guys क्या आपका exit plan पहले से पता होता है जब आप entry करते हो, तो बोलते हैं नहीं सर, मैं तो खाली एंट्री जानता हूँ, ले लिया उसके बाद सोचेंगे, एग्जिट का बाद में सोचेंगे. दिस इज वेरी 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 रॉन्ग प्रैक्टिस गाइस. आपको पहले से एग्जिट प्लान पता होना चाहिए. नहीं होगा तो क्या होगा, इसको मैं एक स्टोरी के हिसाब से भी समझाता हूँ गाइस. अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें एक कैरेक्टर था अभिमन्यु, करेक्ट? तो अभिमन्यु के पास क्या नहीं था, अगर आप गेस करने का ट्राई करें तो आपको समझ में आ जाएगा. चक्रव्यूह में फंस क्यों गया था वो, बिकॉज He did not had the exit plan. Yes, उनके पास exit plan नहीं था. तो क्या हुआ finally? Death, correct? Same way यहाँ भी लोग अपने पैसे की बलि चढ़ा रहे हैं, right? पैसा अपना lose कर रहे हैं because they don't have the exit plan. Just आए randomly घुस के उसके बाद सोचते हैं अब क्या करना है, right? फिर panic में आप लोग निकल जाते हो. So अगर आपको options trading में successful होना है guys, तो आपको entry plan, exit plan, एडजस्टमेंट प्लान पहले से पता होना चाहिए. एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप अगर फंस गए तो प्लान ए लगाओगे, प्लान बी लगाओगे, प्लान सी. व्हाट इज द एडजस्टमेंट प्लान, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको सक्सेसफुल होना है. तो आपको अभिमन्यु की तरह नहीं बनना है, आपको अर्जुन बनना है. जिनको भी अर्जुन बनना है गाइज, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आई वॉन्ट टू बिकम अर्जुन, राइट? आई वुड लव टू सी दोज कमेंट, ग्रेट? सो दिस इज हाउ दिस मिस्टेक यू कैन अवॉइड, जो बहुत लोग करते हैं. मुझे पता है बिकॉज आई एम डेली ट्रेनिंग सो मेनी पीपल, आई एम इंटरेक्टिंग विद सो मेनी गाइस, राइट? सो दैट इज व्हाट. सो प्लीज आप जब से नेक्स्ट टाइम से ट्रेडिंग कीजिए तो एंट्री और एग्जिट दोनों होना चाहिए, राइट? नॉट ओनली एंट्री. फिर ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है गाइस, कट द प्रॉफिट सून इंस्टेड ऑफ लॉस. प्रॉफिट के केस में तुरंत भाग जाएंगे निकल के. अगर 10,000 लगाया, 1,000 हुआ तो तुरंत भागेंगे, उस पर फिर वेट नहीं करेंगे. और लॉस के केस में लोग फैंटम बनते हैं, लेट मी टेल यू. यस, लॉस होता रहेगा तो वेट करेंगे, नहीं यार यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस. सारी थ्योरी तब लगाते हैं जब लॉस होते रहता है कि नहीं यार यहाँ से तो रेजिस्टेंस लेना ही चाहिए, यहाँ से सपोर्ट लेना ही चाहिए. उस चक्कर में लॉस और बढ़ता चला जाता है. और मैंने तो कितने लोगों को देखा है यार कि वो सीधा एक्सपायरी तक ही रुकते हैं. मतलब अगर 10,000 का ऑप्शन बाय किया है या कम लॉस में भी तो आप निकल सकते हो, राइट? लेकिन कम लॉस का वेट नहीं करते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं और फिर फाइनली वो ऑप्शन जीरो करके ही छोड़ते हैं. फाइनली उनका पोजीशन ब्रोकर्स वो स्क्वायर ऑफ करते हैं, वो खुद स्क्वायर ऑफ भी नहीं करते, कुछ इरिटेट हो जाते हैं. जाओ यार, अब तो इतना पैसा बचा है, अब क्या होगा, अब तो जीरो ही होना है. तो फाइनली ब्रोकर ही एग्जीक्यूट करता है उनका ऑर्डर. ये हालत है, राइट? सो ये भी आपके साथ क्यों हो गया है गाइस? लोग बोलते हैं माइंडसेट है, फियर है, ग्रीड है. दैट इज ऑल्सो ओके, माइंडसेट है, बट मेन प्रॉब्लम इज दैट आपके पास स्ट्रैटजी नहीं है कि कहाँ पे, उसमें सिस्टम ही नहीं है जहाँ पे आपको कोई बताए कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे लॉस बुक करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट बुक करना है, एडजस्टमेंट करना है. अगर इधर गया मार्केट तो ऐसे कर सकते हो, इतने लॉस पे एडजस्ट कर सकते हो, इतने लॉस पे बुक कर सकते हो, इतने प्रॉफिट में निकल सकते हो, फिर नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक प्रोसेस. तो अगर वो प्रोसेस नहीं है, वो स्ट्रैटजी नहीं है, तो सक्सेसफुल होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो अगर आप अभी भी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपके पास हुआ है. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम गाइज, लैक ऑफ पेशेंस. पीपल आर लुकिंग फॉर क्विक मनी. मुझे समझ में नहीं आता है कि जब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो ऐसा क्या उनके अंदर सवार हो जाता है, भूत या व्हाटएवर यू टेल, कि नहीं यार मुझे तो यहाँ से जल्दी ही पैसा बनाना है. और कोई भी काम करेंगे तो उसमें आप जल्दी जल्दी पैसा बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आते के साथ लोगों को लगता है 2-3 महीने में ही पैसा बन जाए. सो लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज नॉट सो ईजी. 21 डेज में हेरा फेरी स्कीम इधर नहीं चल रही है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने.
आपको कंसिस्टेंसी से सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन देखने पड़ेगी, तभी आप सीख पाओगे और तभी आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, कैन यू इमेजिन गाइज, 18-20% से ग्रो कर रहे हैं सालाना। इवन वॉरेन बफे जो है, जो सबसे रिचेस्ट मैन है, उन्होंने भी अपना पैसा ग्रो किया है 15-20% पर ईयर। यस माय डियर फ्रेंड, तो भी वो रिचेस्ट मैन है, राइट, ऑन द प्लेनेट विथ हेल्प ऑफ इन्वेस्टिंग। सेम अंबानी को देख लो, 15-20% से ज्यादा कभी भी आरओआई नहीं है साल का, देन ऑल्सो ही इज द रिचेस्ट मैन। बट हम लोग को क्या जल्दी है कि नहीं यार, 2 महीने में डबल, 1 महीने में डबल, ओवरनाइट रिच बनना है। सो लेट मी टेल यू, वो नहीं हो सकता। अगर उसके लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हो तो प्लीज जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, बिकॉज फिर ज्यादा पैसा आप गंवाओगे। जितना ज्यादा लालच करोगे ज्यादा पैसा गंवाओगे, और यही रीजन है कि 90% लोग 90 डेज में अपना 90% कैपिटल खो देते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट गाइस, आप बिल्कुल पेशेंस वाला गेम है, इसको एज ए पेशेंस लीजिए। सो जो लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते, बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन साइन अप फॉर माई वेबिनार। आई विल टेल यू कैसे आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हो और डेफिनेटली आप भी पैसा बना सकते हो फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग। और मेरी स्ट्रेटजी में सबसे खास बात क्या है गाइज, आई डोंट यूज एनी चार्ट्स, आई डोंट यूज एनी ग्रीक्स, आई डोंट यूज एनी इंडिकेटर्स। और इस पे ये स्ट्रेटजी सीख जाओगे तो बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट्स अ डे देना है। सो माई स्ट्रेटजी रिक्वायर जस्ट 10-15 मिनट्स अ डे, क्योंकि वो भी एक फिलॉसफी है गाइज, मार्केट को जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना कम पैसा बनेगा, मार्केट को जितना कम टाइम दोगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा, दैट इज माई फिलॉसफी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड आई होप यू लाइक इट। अगर कुछ टॉपिक चाहिए कि ऑप्शन रिलेटेड आपको कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मैं वो टॉपिक को भी कवर करने का ट्राई करूंगा। एंड प्लीज ज्वाइन माई वेबिनार बाई क्लिकिंग ऑन द बिलो लिंक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।